कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे कम से बात कर लूँ, आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। दिल्ली के कपल ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया था, वो तस्वीरें अभी तक आप भूले नहीं होंगे। और अब कुछ ऐसा ही हो गया मध्य प्रदेश में, जहां 20 सड़क पर स्कॉर्पियो वाली मैडम ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से जनता को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया है। कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए हर जगह लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है। वहीं इसका पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन भी सड़कों पर है, जिसकी वजह से कई बार पुलिस को ऐसे लोगों से भी जूझना पड़ता है जो जरा से सवाल पर अक्सर अपना आपा खो देते हैं। और कुछ ऐसा ही वाक्य हुआ मध्य प्रदेश के इटारसी में। दरअसल मध्य प्रदेश के इटारसी में कोरोना कर्फ्यू में सड़क पर घूमने वालों से रोको टोको अभियान के तहत पूछताछ की जा रही थी। इटारसी रेलवे स्टेशन के सामने SDM मदन सिंह रघुवंशी और तहसीलदार पूनम साहू ने स्कॉर्पियो में सवार महिला को रोका। इस बात पर महिला गाड़ी से निकली और अधिकारियों पर भड़क गई। 15 मिनट तक महिला का सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। समझाइश के बाद भी महिला लगातार हंगामा करती रही। घूमने निकले मुझे बोलने देंगे कि आप ही जानती है सबको, तो फिर आप क्यों बोल रही हैं कि घूमने निकले? अरे भाई मत लगाइए, आप बोल रहे हैं एक मैंने बैठे हुए हो, तो आगे बोलना तो दीजिए, पॉइंट पे आइए ना। क्या फर्क है, बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे कम से बात कर लूँ, आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आप अगर मैं कम से बात कर रही हूँ, आप क्यों मुझे धोखा दिखा रहे हैं? क्या आप पुलिस से डराएंगे? क्या आखिरकार SDM ने महिला को थाने भेजा और उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई कर दी। ये महिला इटारसी की LKG कॉलोनी में रहने वाली है, जो अपने बेटे के साथ स्कॉर्पियो में घूमने निकली थी। इसी दौरान चेकिंग पर तैनात पुलिस और अधिकारियों ने उसे रोक लिया। इससे वो इतनी आग बबूला हो गई कि अधिकारियों को ही प्रशासन के काम का पाठ सिखाने लगी। करीब 15 मिनट तक महिला सड़क पर हंगामा करती रही। अधिकारियों की बातों का जब उस पर कोई असर नहीं हुआ, तो SDM ने पुलिस जवानों के साथ महिला को थाने पहुंचाया, जहां पर उसका चालान किया गया। उसके बाद महिला को दोनों अधिकारियों ने समझाइश दी और महिला ने जाते जाते SDM से माफी मांगी। तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ। लेकिन स्कॉर्पियो वाली मैडम को अकड़ दिखाना ज्यादा महंगा पड़ गया और माफी मांगने के बाद ही उनका पीछा छूटा। तो ऐसे में इस वीडियो को आप भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।